हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा नया ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है, तो आज हम आपको ले जाते हैं सतगुरु धाम। तो चलिए आज हम आपको एक नई जगह दिखाते हैं जो हमारे गांव से 25-30 किलोमीटर के अंदर में है। तो हम आपको बहुत सुंदर जगह लेके जाने वाले हैं, तो चलिए हमारे साथ, हम आपको लेके चलते हैं सतगुरु धाम। तो गाइस देखिए, आज का नज़ारा कुछ इस तरीके से है। आज थोड़ा धुंध सी है, मौसम इतना सुहाना है, और हम पहुंचने वाले हैं सतगुरु धाम। तो जल्द ही हम सतगुरु धाम पहुंचने वाले हैं, तो आप भी हमारे साथ बने रहिए। और देखिए यहाँ पहाड़ का नज़ारा कितना सुंदर, बादल लगे हुए हैं, सुबह का समय है, ठंड हो रही है। तो गाइस नज़ारा देखिए आज का कितना सुंदर है, बादल लगे हुए हैं चारों ओर, सुबह का समय है और हम पहुँचने वाले हैं सतगुरु धाम। तो फाइनली गाइस हम पहुँच चुके हैं सतगुरु धाम। तो यहाँ पे से ये सीढ़ियाँ स्टार्ट हो रही हैं और ऊपर रोड से ऊंचाई पे है ये मंदिर, और चलना भी है थोड़ा इसमें। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं सतगुरु धाम, और आप देख सकते हैं आज यहाँ से कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है, क्योंकि बरसात का टाइम था तो बादल भी हैं, इतने अच्छे लगे हुए हैं। और हम पहुँच चुके हैं मंदिर। चलो अब हम आपको मंदिर लेके चलते हैं और दर्शन करवाते हैं सतगुरु धाम के। बोलो सतगुरु धाम की जय। तो यहाँ पे गाइस देखिए आश्रम है महाराज जी का, और यहीं पे हम पहुँच चुके हैं मंदिर में, और बहुत सुंदर मंदिर है, यहाँ टॉप में है और इससे थोड़ा ऊपर ऊंचाई में जाके यहाँ पे बहुत सुंदर सा व्यू दिखता है चारों ओर। और ये है रिची बिल्ले गांव के पास ही है ये मंदिर। तो जब भी आपका यहाँ अल्मोड़ा इधर आना हो तो आप ज़रूर आएँ। तो गाइस आप देखिए मंदिर कुछ इस तरीके से कितना सुंदर है, यह महाराज जी की फ़ोटोज़ हैं, और यहीं पे हनुमान जी का भी मंदिर है, माँ भगवती का मंदिर है, और आप देख सकते हैं कितना सुंदर मंदिर है, कितनी अच्छी लोकेशन पे है, टॉप में है जहाँ से पूरा ये माता भगवती का मंदिर है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं माता भगवती के मंदिर में, तो हमने माता भगवती के दर्शन कर लिए हैं। अब हम मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करके फिर जाएंगे दूसरे मंदिर में। तो यहीं पे देखिए गाइस कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है यहाँ से, और इधर सामने भोले बाबा का शिवलिंग है, वहाँ पे भी स्थित है शिवलिंग। और यहाँ से ऊपर जंगल की ओर यहाँ से दिख रहा है सुंदर सा नज़ारा, आप देख सकते हैं कैसे बादल लगे हुए हैं, मौसम कितना सुहाना है, और एक अलग ही शांति है क्योंकि हम बहुत टॉप में हैं। और अब हम पहुँच चुके हैं धूड़ी में, नीचे भोले बाबा की धूड़ी है। इस देख सकते हैं आप यहाँ पे नंदी महाराज हैं, भोले बाबा का यहाँ पे शिवलिंग है जिनमें जल चढ़ाया जाता है सावन के महीने में, यहाँ बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे। और इधर महाराज जी की समाधि है, आप देख सकते हैं जहाँ पे शिवलिंग स्थित है एक। और इसी प्रकार यहाँ का सुंदर सा दृश्य आप देखें, यहीं पे नीचे धूणी है महाराज जी की, जहाँ पे सभी महाराज जी लोग बैठते, संत लोग वहीं पे कीर्तन भजन होते हैं, जो कि बहुत सुहाना सुंदर दृश्य रहता है जिसका। और यहाँ पे ऊपर टॉप में वहाँ से पूरे सारी ओर सब दृश्य दिखाई देता है। तो गाइस देखिए आप यहाँ पे, अब हम नीचे मंदिर ऊपर माँ भगवती के मंदिर से होके आ गए हैं, नीचे धूड़ी में जा रही हैं, धूड़ी है यहाँ पे, यहाँ पे बाबा जी लोग रहते हैं, और वहीं पे चौखंडी है जहाँ मतलब बभूति लगाया जाता है। और ये देखिए हम पहुँच के धूड़ी में, महाराज जी की धूड़ी, यहाँ पे महाराज जी का आश्रम है जहाँ महाराज जी बैठते हैं और यहीं पे भजन होते हैं। तो गाइस हमारा सफ़र यहीं तक था, अब हम जा रहे हैं घर को। तो हमने सतगुरु धाम महाराज जी के दर्शन कर लिए हैं। तो गाइस देखिए सुंदर सा दृश्य, और अब हम सीढ़ियों से नीचे उतर के रोड पे जाएंगे,
और जिस रोड से हम अभी आए हैं यही रोड आगे खैरना हल्द्वानी के लिए भी आगे जाती है। आप चाहें तो हल्द्वानी खैरना होते हुए भी यहाँ मंदिर में दर्शन करने आ सकते हैं, अगर चाहे तो रानीखेत से भी होते हुए आ सकते हैं। बहुत अच्छी सुंदर जगह है, तो अगर आप जब भी आएँ तो ज़रूर आइएगा महाराज जी के दर्शन करने, बहुत अच्छा मंदिर है। तो गाइस आज का सफ़र हमारा यहीं तक था, अब हम चलते अपने घर को। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको मंदिर कैसा लगा। तो गाइस आज का ब्लॉग हमारा यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम आपको नए ब्लॉग में। तो हमारे साथ बने रहें और हमें बहुत सारा प्यार दीजिए और हमारी नई नई वीडियोज़ को देखते रहें और नई नई जगह देखें, जिससे कि अगर कभी आपको फ्यूचर में यहाँ आना हो तो आपको सुविधा हो जाए कि कहाँ से कैसे जाना है। हम चाहे जितना हो सकेगा हम अपनी वीडियोस में आपको लोकेशन बता देंगे, कहाँ को आना है, रूट बता देंगे उसका, तो आप इजीली वहाँ पे पहुँच सकते हैं। और जब भी आपका पहाड़ आना हो तो आप ज़रूर आए, दर्शन कीजिए सतगुरु धाम के। और ऐसे अन्य मंदिर हैं हम जहाँ आपको लेके जाएंगे, आप हमारे साथ बने रहें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और ज़रूर बताइएगा आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी और जहाँ मंदिर लेके गए वहाँ कैसा लगा मंदिर। बहुत सुंदर मंदिर है, कोशिश कीजिएगा, ज़रूर आइएगा, बहुत सुंदर जगह है। तो आप हमारे साथ देखते रहिए और वीडियो में बने रहिए। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हम ऐसे ही आपको नई नई जगह में लेके जाएंगे, नई नई जगह के व्यू दिखाएंगे और आप हमारे साथ बने रहें मस्त। ओके बाय बाय, थैंक यू।